अगर आप आर्मी की भर्ती देने जा रहे हैं, आपका सीने का साइज अगर कम है, पहली चीज तो ये सीने का सही तरीका नाप देने का वो जान लो। अगर आप इस तरह से सीने का सही तरीके से नाप दोगे तो आप रिजेक्ट नहीं होगे, और अगर ये तरीका आपको नहीं पता है, सही तरीके से नाप नहीं देते हो, आप रिजेक्ट हो जाओगे, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी आपकी। चाहे जितनी अच्छे से तैयारी कर लो, आपका एक्सीलेंट आ जाए, लेकिन अगर सीने के नाप अगर आप देने में गड़बड़ किए तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो सही तरीका जान लेते हैं, क्या क्या सही तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, आपको नॉर्मल खड़े रहना है, कॉन्फिडेंट होके कि मेरा सीना परफेक्ट है। अगर आप वर्कआउट करके गए हो तो सीधी बात आपका परफेक्ट होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वो खड़े करेंगे, नॉर्मली खड़े होना है, और आपकी जो अंदर की हवा है वो पूरी आपको निकाल देनी है। अगर आपके 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है, आपको घर पे पता 80 सेंटीमीटर है या 80 के ऊपर है, तो आपको क्या करना है, अपनी हवा निकाल देनी है। ठीक है, सही तरीका निकालने का बता रहा हूँ, 1 से लेकर 20 तक गिनती करनी है, सांस नहीं लेना है। कैसे गिनना है देख लो, 1 से 20 तक गिनती को जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस सांस नहीं लेने का, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो आपका ये फीता लगाया उन्होंने, ऐसे देखो, क्लोज आओ थोड़ा सा, ऐसे फीता लगाते हैं और ऐसे पकड़ते हैं भाई साहब, ऐसे टाइट कर देते हैं, ये इतना निप्पल पे इतना करेंगे, ठीक है। ये देखो इस बंदे का आ रहा है 85 सेंटीमीटर निप्पल के ऊपर से, ठीक है। अब बोलेंगे फुलाओ फुलाओ, ये देखिए भाई साहब सीना देख रहे हो, 93 सेंटीमीटर 95 से भर गई, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हवा, मतलब कि आपका जो सीना है बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, 78 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर हवा भरनी है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, अब वो बताने वाला हूं। सबसे पहले गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम पहले सीना अच्छा दिखा देते हैं, ऐसे खड़े हो जाएंगे तन के, ठीक है। तो सीना तन के खड़े होने के लिए हवा भरनी पड़ती है। अब आपका सीना है नहीं, लेकिन आप हवा भर दे दो मेंढक जैसी, कैसी, थोड़ा हवा भरो, टाइट करो, ये भाई सब सीना देख रहे हो इतना, पहले तो बंदा फ्लैट हो जाएगा देख के कि भाई बहुत तगड़ा सीना है, और भर दो थोड़ी से बात। ये देखो ये भर दिया, और ये मैंने नाप ली, देखो ये मैं नाप ले रहा हूं, ये मैंने नाप लिया, ठीक है। ये देखो इसका आ रहा है कितना, गलत फीता लगा रहा हूं, एक मिनट, ये देखो ये आ रहा है बंदे का 92 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि 5 सेंटीमीटर और हवा भरनी है, फुलाओ जरा 5 सेंटीमीटर, ये देखिए देखिए, ये देखिए 92 से हो गया 94, 5 सेंटीमीटर नहीं दोस्तों, इसने पूरा 1 सेंटीमीटर हवा भरा है, और ये हो गया डिस्क्वालीफाई। ये सही तरीका नहीं है ना, अपनी मेहनत खराब हो जाएगी। तो आपको ये चीज नहीं करनी है भैया, ओवर रिएक्टिंग ओवर एक्टिंग नहीं करना है बिल्कुल भी, सीधा अपना बस 80 तक, 80 से ऊपर हो जाए सीना, अगर 78 से भी ऊपर रहा तो भी आप क्वालिफाई तो हो ही, तो आपको नॉर्मली खड़े रहना है। अगर हवा ज्यादा भर रहे हो तो उसको निकाल दो, तुम्हें अगर पता है 80 से ऊपर है, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर की जगह भले तुम 10 सेंटीमीटर फुला दो, नॉर्मल पे नाप दे दिया, उसके बाद क्वालिफाई आराम से। सीना हवा उस जगह भरना जिस जगह तुम्हारे थोड़ी बहुत इमेज का यार, जहां दिखाना हो दिखाना, लेकिन आर्मी वालों के सामने ओवर एक्टिंग मत करना, क्योंकि वहां तुम्हारे कैरियर की बात है, वहां तुम्हारे फ्यूचर की बात है, वहां तुम्हारे ड्रीम की बात है, तो बी ओरिजिनल रहना उस टाइम पे, ठीक है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, और टाइगर फिजिकल एकेडमी अगर ज्वाइन करना चाहते हो नंबर पे कॉल कीजिए, अभी के अभी ज्वाइन कीजिए, ऑफर चल रहा है, जल्दी जल्दी कॉल करो, टाइगर फिजिकल में ज्वाइन करो, मात्र 3500 रुपए लग रहा है महीने के, समय रहना खाना फिजिकली ट्रेनिंग हो रही है, कोचिंग करना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपए अलग से लगेंगे, और पहले महीने की जो फीस है वो 7000 टोटल, ठीक है, दूसरे महीने से फीस लगेगी आपकी, तो अभी के अभी कॉल करो, ज्वाइन करो। जय हिंद, वंदे मातरम।